बिल्कुल। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटीज से पावर लेकर क्या करना, लोकल अथॉरिटीज को दे देना। पहले पावर किसके बीच में डिवाइडेड होता, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जब पावर डिवाइडेड होता था तो डिसीजन मेकिंग में क्या लगता था, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, ठीक है। और क्योंकि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, तब तक तो क्या होता था, वो प्रॉब्लम शायद खत्म ही हो जाती थी या एड्रेस नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की नीड क्या पड़ी कि यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो बहुत लोअर लेवल पे होती है, और लोअर लेवल की गवर्नमेंट को पता होती है कि वो प्रॉब्लम्स बेटर तरीके से कैसे सॉल्व होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला गया कि अगर हम लोग क्या करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को थोड़ा सा एम्पावर करेंगे। एम्पावर मतलब उनको क्या करेंगे, पावर भी देंगे और उनके हाथ में पैसा भी देंगे कि वो अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, पैसे खर्च करके अपने एंड की प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो कंसेप्ट था डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का, वो कौन लेकर आया, हमारी लोकल गवर्नमेंट लेकर आई। और हमारी लोकल गवर्नमेंट ने इसको इतना अच्छा कर दिया, इतना अच्छा कर दिया कि आजकल हमारे आइडियाज क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये किसका फायदा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा होता है। ठीक है, देखो हाउ वाज डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस्ड इन या इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो हमने बोला सबसे पहले 1992 में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया कि हमने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को और ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाएंगे। पावरफुल मतलब उनको बहुत सारे डिसीजन देने की पावर दे देंगे, ठीक है। साथ ही उनको इफेक्टिव भी बनाएंगे, यानी कि उनके पास भी कुछ बजट का पैसा एलोकेट किया जाएगा, जिससे क्या होगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लोकल लेवल पे सारी कहानी बहुत स्मूथली चले, तो बोला कि हम लोग क्या करेंगे, लोकल गवर्निंग बॉडीज के लिए भी क्या रखेंगे, इलेक्शंस रखेंगे, ताकि जो बंदा आए वो कौन सा है, बाय द पीपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हो। 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी, विमेन कैंडिडेट्स के लिए। और एक हमने बोला इलेक्शन फ्री और फेयर हो, इलेक्शन फ्री और फेयर हो, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जिसका नाम क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो क्या करता है, पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को सुपरवाइज करता है, ओके। हमारे यहाँ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। एक विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। बहुत सारे वार्ड मेंबर्स क्या होते हैं इसमें, इलेक्ट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पंच। तो जो भी ग्राम पंचायत के इलेक्शन में वार्ड मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पंच। और इन सब का जो प्रेसिडेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरपंच। और ये सारे बंदे डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है, वहां की लोकल पॉपुलेशन। ऐसी बहुत सारी पंचायत समितिज मिलकर क्या बनाती है, जिला परिषद। और जो भी मेंबर्स लोकसभा रह के रहते हैं या एमएलएज रहते हैं, वो जिला परिषद के भी क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और इस लोकल बॉडी का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज दो होती है, छोटे छोटे टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज होती है, और बड़े टाउन्स में या सिटीज में कौन होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका हेड कौन होता है, मेयर होता है या मेयर होती है, जो भी। जो फेडरल सिस्टम होता है ना, उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक तो क्योंकि आप पावर डिवाइड कर रहे हो, तो देश का कोई भी पार्ट क्या होगा, कोई बंदा क्या नहीं होगा, डिससैटिस्फाइड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो आप होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन करो या कमिंग टुगेदर फेडरेशन करो, तो इसमें आपकी कंट्री क्या रहेगी, यूनाइटेड रहेगी, और रीजनल डाइवर्सिटी भी अकोमोडेट हो जाएगी। किसी भी कम्युनिटी को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम पे ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हर लेवल पे हर स्टेट की गवर्नमेंट के पास पावर है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको पावर दे दिया, स्टेट को। स्टेट ने टू अ लार्ज एक्सटेंट लोकल लेवल पे भी पावर क्या कर दिया, शेयर कर दिया। इसका मतलब गवर्नमेंट किसी को भी अवॉइड नहीं कर रही है, हर लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का धर्म बनता है कि वो अपना पावर का करे प्रॉपर यूज करे, ठीक है ना। तो एक आइडियल फेडरल सिस्टम में दो चीजें होती है, पहला म्यूचुअल ट्रस्ट और दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। की छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है ना। चलो, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होते हैं बेटा, पहला दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और
लोकल लेवल डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, सिटीजन वही रहते हैं लेकिन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कितनी होती है, तीन, पर हर टायर का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब हर टायर के पास एक लिमिट होती है कि आप इससे ज्यादा पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते. दीज ज्यूरिसडिक्शन आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन से लेवल के पास कितनी पावर है, कौन से लेवल के पास कितनी पावर नहीं है. ठीक है, तो आपका कोई भी हर लेवल पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है. द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहेगी तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है, इसके लिए सारे लेवल्स की कंसेंट होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है. कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. और ये सब भी कब होगा, जब कोर्ट इन सारी चीजों को क्या करेगा, अलाउ करेगा. क्लियर है? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हर लेवल के लिए क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पास करेगी, सेंट्रल लेवल पे कितना पैसा रखना है, स्टेट लेवल पे कितना पैसा रखना है, लोकल वालों को कितना पैसा बजट में अलॉट करना है, ये सारी भी चीजें क्या रहती है, हर लेवल के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है. ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी पावर्स, ये चारों चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. आई बात समझ में? अब हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सारे स्टेट्स इक्वल पावर या आइडेंटिकल पावर्स नहीं एंजॉय करते, कुछ स्टेट्स को हम लोगों ने स्पेशल स्टेटस दे के रखा है, जैसे कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम. ठीक है, ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, क्योंकि वहां के लोगों का कल्चर क्या है, थोड़ा सा अलग है, वहां के लोगों की कल्चर क्या है, हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री जो है वो अलग है, और यही रीजन है कि इनको गवर्नमेंट जॉब्स में और इन सारी चीजों में क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है ओवर अदर पीपल. ठीक है, है ना. यूनियन टेरिटरीज के एग्जाम्पल्स याद रखना, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट को क्या करने का, चलाने का. ठीक है, अच्छा, जो पावर ऑफ पावर चेंज होता है किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, इसमें हम बहुत जल्दी चेंजेस नहीं ला सकते. ठीक है ना, पार्लियामेंट खुद तो ऐसा कोई चेंज लाएगा ही नहीं, कोई भी चेंज अगर लाना होगा तो वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होगा, किसके साथ, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, या फिर रेटिफाई होगा बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. और यहाँ पे जुडिशरी का क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. ठीक है, यानी कि अगर दो स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट हो गया, सेंटर और स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो गया, लोकल और स्टेट में कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो जो हमारे कोर्ट्स रहते हैं बहुत क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे टाइम पर. ठीक है, ये 1947 का इंडिया दिखाया है, देख लेना. ठीक है, हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हम लोगों ने पढ़ लिया था कैसे क्रिएट हुए थे, बेस्ड ऑन लैंग्वेज हमने हमारी कंट्री को क्या करा था, स्टेट्स में डिवाइड किया था. ठीक है, फिर लैंग्वेज पॉलिसी भी हम लोगों ने देखी थी और सेंटर स्टेट रिलेशन भी देखे थे. अब देखो ये कार्टून दिख रहा है, स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर. तो बेसिकली ये जो कार्टून है यहाँ पर क्या दिखाया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है. ठीक है, ये जो बंदे दोनों खड़े हुए हैं, ठीक है, इसमें से एक इंदिरा गांधी है पर हम लोग किसी का नाम नहीं लेते ऐसे. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, स्टेट्स को पावर दे रहे हैं. तो ये देखो खड़ा है केरला, खड़ा हुआ है मद्रास, खड़ा हुआ है उड़ीसा, खड़ा हुआ है बंगाल, खड़ा हुआ है ऐसे कटोरे लेके खड़े हुए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रीजनल अमाउंट ऑफ पावर किसको मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, क्योंकि हर स्टेट के पास अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है. आई बात समझ में?
नेक्स्ट, पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोलिजन गवर्नमेंट. अब कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है, एक से ज्यादा पार्टी होती है, तो जो सरकार रहती है वो हमेशा क्या रहती है, रिस्क पे रहती है. पेरिल मतलब क्या होता है, रिस्क. तो ये क्या है, कोलिजन गवर्नमेंट. देखो पूरा आंख की लपटे निकल रही है इसमें से, है डायनामाइट से लग रही ना, ये बेचारा डायनामाइट से बैठा हुआ है. और डायनामाइट कौन कौन से, ये देखो अलग अलग पार्टीज है, ये साइकिल वाली पार्टी, ये पत्ते वाली जिनके सिंबल्स हैं, और ये इनके अलग अलग पार्टी के लीडर्स. अब ऐसा है कि इसको क्या कर रखना है, ये अलग अलग पार्टीज के सारे लीडर्स को खुश रखना है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी लीडर क्या हो गया, डिससैटिस्फाई हो गया, तो गवर्नमेंट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आग तो जली रही है पास में. तो ये क्या होता है, रिस्क होता है कोलिजन गवर्नमेंट. ने देखा है बंदा बेचारा कितने टेंशन में, पसीने पसीने छूट रहा है इसमें, ठीक है. ये किसकी अलायंस थी, एनडीए की अलायंस थी बहुत साल बीजेपी पहले. हाँ, बैठा बीजेपी है ये, वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का पोस्टर बना हुआ है. जी कौन सुनो बहुत इम्पोर्टेंट छोटी छोटी बातें. हमारे यहाँ पर कितनी टोटल लैंग्वेजेस हैं, तो हमने कहा देखो हमारी इंग्लिश तो लैंग्वेज है ही, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, कि हम ऑफिशियली हमेशा हिंदी को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे. लेकिन हमारे यहाँ टोटल, हमारे देश में 300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस है, ठीक है ना, भोजपुरी, मगाड़ी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी. और इसमें से 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस क्या है, रिकग्नाइज है. कितनी लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस, जिसको हम लोग कहते हैं स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस. यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम होना है, या अगर कोई गवर्नमेंट की चीज का फॉर्म भरना है, या कुछ ऑफिशियल हो रहा है, तो उन सबके फॉर्म्स, उन सबकी एग्जाम्स, उन सब में ये 22 लैंग्वेजेस में पेपर्स क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे. इसलिए जब तुम लोग सीबीएसई बोर्ड देते हो, तब बहुत बार देखना आसामीज का पेपर होता है, बंगाली का पेपर होता है, बोडो का होता है, गुजराती का होता है, सिंधी का होता है, तमिल का होता है, तेलुगु का होता है, उर्दू का होता है. ये सारी लैंग्वेजेस हमारी 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस का क्या है, पार्ट है. आ रही है बात समझ में. हालांकि 44% पॉपुलेशन हमारे यहाँ क्या बोलती है, हिंदी ही बोलती है, ठीक है. और यही रीजन है कि बीच में जब बोल रहे थे क्या कि आप बाकी लैंग्वेजेस को हटा देंगे, तो बोला था नहीं नहीं हटा सकते, इंग्लिश को भी डिसरिकार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तमिलनाडु में इस बात पे क्या हो गए थे, रायट्स हो गए थे या दंगे हो गए थे, कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझते. तो हम जैसे लोगों के लिए आपको इंग्लिश को क्या रखना पड़ेगा, उस ओके लैंग्वेज में रखना ही पड़ेगा. ओके. नवंबर 1 में ही सारे ये आए थे, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC बोलते थे, ठीक है. जो 50 इयर्स अगो क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था कब, नवंबर 1, 1956 में, ठीक है ना. तो इसमें बताया था कि हमने स्टेट्स को कैसे डिवाइड करा है. है ना, फिर डिसेंट्रलाइजेशन तो हम लोगों ने पूरा देखा, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे प्रैक्टिस होता है, पंच क्या रहते हैं, पंचायती राज क्या रहता है, लोकल गवर्नमेंट क्या रहता है, मेयर क्या रहता है, ठीक है. विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर.